कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। दुनिया भर में कुल 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 8,953 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना से अब तक कुल 2,978 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में चीन के बाद जितनी मौतें हुई उसमें आधा से ज्यादा इटली में हुई है, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या 35,713 तक पहुंच गई। इससे पहले रविवार को इटली में 368 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें वहां की सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा पसरा है। इटली में 25 मार्च तक लोगों को एक साथ जमा होने पर रोक लगाई गई है। इटली के कई शहरों में लॉकडाउन है, व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा है। स्कूल कॉलेजेस में पहले से ही छुट्टियों की घोषणा की जा चुकी है। इटली के बड़े अधिकारी ने ये संकेत दिए कि इसे और अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं चीन की अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना से चीन में अब तक 3,237 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी तक वहां कुल 80,894 लोग कोरोना की चपेट में हैं। चीन में अब तक 69,614 लोगों के इलाज के बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि चीन का हुबेई प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित था और यहां पर वुहान शहर कोरोना का केंद्र था।